राम राम जीजी, ठीक हो? अब बबली ठीक है, जीजा जी ठीक है? बस जीजी लेट ने लग रही थी, मैंने कहा फोन कर लूं। इसके पापा ने तो हॉल में बैठना जो है मेरा दुश्वार किया हुआ है। सारा दिन भाई भाई न्यूज चला के छोड़ देते हैं और हम जो है हमारे सिर में वैसे ही दर्द रहता है। एक बात बताओ जीजी, ये न्यूज वाले नाश मिटे, इन्हें आग लगे, दिन भर इतना चिल्लम चिल्ली कैसे कर लेते हैं? कहाँ से इतनी एनर्जी इन्हें आ रही है? और जीजी एक बात बताओ, पहले तो कोरोना कोरोना का जाप कर रहे थे और 500 केस थे, तब बोल रहे थे कि नाक से सांस लेना छोड़ दो, पर्दे दरवाजे बंद कर लो, कोरोना आके चिपट जाएगा। अब कोरोना की गिनती भी नहीं बताते। हाँ, सुबह उठ के मैं देख लेती थी कि कितना स्कोर चल रहा है, अब तो स्कोर देखने के लायक भी नहीं छोड़ा, सारा दिन बॉलीवुड में घुसे रहते हैं। जीजी भोली भाली जनता को जो है भटकाया जा रहा है। मैं तो देखो स्वयं विवेक से डिसीजन लेती हूँ और आपकी सलाह ले लेती हूँ जब चाहूँ। ऐसा है जीजी, ये जो लोग हैं न्यूज वाले, ये टी फॉर टीआरपी के पीछे पड़ गए हैं। टी फॉर ट्रूथ इनको जो है अब नहीं जानना है, सत्य से परे हैं ये लोग। हाँ, और कोरोना में क्या आग लग रही, कोई हमें ये तो बता दे। बताओ जीजी, कल इसके पापा व्हाट्सएप पे मुझे बता रहे थे कि जो है ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है, अमरीका को पीछे छोड़ दिया। मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा चलो पहली बार जो है हमारे देश ने नाम रोशन किया। तो बोले नहीं, वो जो है कोरोना के केसेस में पीछे छोड़ा। बताओ कितनी शर्म की बात है जीजी, मैं तो बहुत इमोशनल हो रही हूँ आज, ये तो गलत हो गया।